किस वचन आप देखिए कि वचन अगर किसी ने निभाया, या तो राजा राम ने वचन निभाया और 14 साल वनवास में चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण बचाव करके संपूर्ण सृष्टि के अंदर ये संदेश दिया। और भाइयों, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं कि तेजाजी महाराज हमारे कुल देवता लोक देवता है, वो इसी समाज जाते हैं। बाकी लोग तो लोक देवता जितने भी हुए 450-550 साल का इतिहास है, लेकिन 1000 साल पहले अगर किसी लोक देवता का इतिहास है तो फिर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए गो माता को बचाया। आज मैं तेजाजी के दरबार में ये भोग लगा के अरदास करने आया हूँ कि तेजाजी महाराज जिस तरह 1000 साल पहले आपने गाय को बचाया, उसी तरह गो माता पर संकट आ गया है। गाय का नारा लगाने वाले गाय को भूल गए हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि वोट कैसे पक्के हो। हर गांव के अंदर 40-50 गाय कम तोड़ रही है, महामारी फैल रही है। तेजाजी महाराज आप ऐसा चमत्कार करें कि लंपी भाग जाए और हमारी गायें सुरक्षित देश के अंदर रहे, ये कोई अगर नहीं कर सकता तो फिर तेजाजी महाराज कर सकते हैं। भाइयों, तेजाजी महाराज के आदेश राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो, हम उस धरती से आते हैं, हम शिक्षा के मामले में पीछे रहे, हम संसाधनों के मामले में पीछे रहे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। हमसे आगे राजस्थान के अंदर जो नहरी इलाके हैं वो बहुत आगे निकल गए, हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके, कोटा साइड के इलाके। हमारे यहाँ 3 तरीके से मारे गए, पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों ने लंबे समय तक हमारा किसानों का शोषण किया, बाद में अकाल का साया और नेताओं का धोखा हमें पीछे धकेल के ले गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सोशल मीडिया और तेजाजी महाराज के जयकारे में इतनी ताकत है कि यहाँ का जवान, मारवाड़ का जवान और किसान के बेटे बेटियां अब हिंदुस्तान के अंदर हर दिशा में परचम फहराएंगे, पूरा विश्वास हनुमान बेनीवाल को है। भाइयों, एक जमाने में लोग कहते थे कि राजस्थान में दो ही पार्टी है, एक बार कांग्रेस और भाजपा। उस बात को भी अगर गलत साबित किया, नई पार्टी बना के अगर देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान और जवान भी पार्टी बना के अपनी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ सकता है, तो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके प्रदेश के देश के नौजवानों को एक दिशा दी। भाई, वो पार्टी बना के कोई सत्ता मारने का मेरा मकसद नहीं था, सत्ता तो मेरे दरवाजे पे चारों तरफ हर वक्त मंडराती है, सत्ता तो जब चाहे प्राप्त कर लो, मेरा अगर मन हो तो मैं दिल्ली में जब चाहे शपथ ले लूं, 25 सीट बीजेपी जिया ले लूंगा, मेरा मन हो तो कांग्रेस के दरवाजे पे खड़ी थी। 2018 के अंदर जब मैंने सोचा कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मैं व्यवस्था देख के तंग रह गया, किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है, मैं कॉलेज डाल के राजनीति निकला था, मैंने कहा मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर नहीं देख सकता, हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे वो मिट गया भी इस कौम का सम्मान बनाए रखेगा। भाइयों, लास्ट में हमने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के 19 दिन बाद राजस्थान में टिकट वितरण चुनाव थे, 3 सीट जीते और 20 से ज्यादा अपने समाज के नेताओं की मदद करी। आज कांग्रेस के अंदर भी जो दम भरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक जो आपको मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे जीते उनको कसम दिला के पूछना कि चुनाव जीतने से पहले पहली रात को किसके दरवाजे में धूप लगाई थी। लेकिन लोग उनको प्यार नहीं करते, हनुमान बेनीवाल की हुकार और ललकार में इतनी ताकत है कि देश की सरकार डर जाती है, प्रदेश की सरकार को चाय से झुकाया और 4.5 साल तक प्रदेश की सरकार को झुकाएंगे, देश की सरकार को झुकाएंगे। मेरे छोटे नौजवान भाई मुझे सोशल मीडिया पे एक बात कहते हैं कि भाई साहब ओबीसी की जो विसंगति है इसे आप दूर कराएं। मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जब ओबीसी जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई थी उस समय शायद मैं 26 साल का था, ये 25 साल पहले की बात है, आरक्षण की लड़ाई लड़ने में कोई मैं अकेला नहीं था, कई लोग थे, लेकिन कोई अकेला ये कहते कि मैंने आरक्षण दिलाया, किसी ने नहीं दिलाया,
और लड़ाई लाखों लोगों लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल भी उस समय विश्वविद्यालय से निकला हुआ, वो किसान का बेटा नया नेता था, तो पूरे प्रदेश के अंदर जाट समाज को ओबीसी में शामिल कराने के लिए रात और दिन एक करते थे। मुझे अचंभा होता है, उस समय कांग्रेस सरकार के जो नेता थे अशोक गहलोत की 99-2000 में चप्पल उठाते थे, वो आरक्षण का विरोध करते थे, वो लोग आज आरक्षण के वो हो गए समर्थक, सत्ता में रहे मंत्री गए, जब तक तो समाज नहीं और सत्ता जैसी ठोकर मारे गहलोत पिछोड़े पे लात मारे, जब समाज याद आ जाए। मैं कहीं आपको विश्वास दिलाता कि ओबीसी के मामले के अंदर मेरे तीनों विधायक और हनुमान बेनीवाल, ओबीसी आरक्षण का जो गलत तरीके से सरकार हमारे बच्चों को नौकरी मारने से रोक रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस विसंगति को दूर कराएंगे। लेकिन ये विसंगति कोई मेरे साथ में नहीं हुई थी, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ प्रदेश का, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, मुख्यमंत्री गहलोत था, वही साल से दोनों मुख्यमंत्री है और अपने वो नेता जो गहलोत वसुंधरा के धोखे लगाते थे, आज उनको अगर कौम याद आ गई वो पार्टियां छोड़े अपनी या तो नई पार्टी बनाए या हनुमान बेनीवाल की आरोपी पार्टी से गठबंधन करके लोगों को आंख बांध के आंखों पर पट्टी बना के उल्लू बनाने का काम ये लोग नहीं करें। आपको भी भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ कि मेरी एक आदत है, मैं बड़ी पंचायत नहीं करता और पंचायत में पूछ जाता हूँ तो जीत ला के मानता हूँ। मैं मेरे छोटे भाई को कई आश्वासन दे सकता हूँ कि तो विधानसभा का सत्र चलेगा इस बार, तो मेरे तीनों विधायक इस ओबीसी की विसंगतियों के लिए, जो ओबीसी आरक्षण को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान में जो बिगुल बजाया ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने का जो मंच बनाया, उसके लोगों से बात करके मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन पहले सेमीफाइनल राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी के तीनों विधायक दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो 16-17 तारीख की सत्र है उसमें ओबीसी के छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की पूरी लड़ाई मजबूती के साथ करेंगे। मेरे छोटे भाई मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप सर्टिफिकेट दो, अरे हर सर्टिफिकेट मेरे से मत मांगो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैं तो 25 साल से सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और सर्टिफिकेट देते 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 इतना मजबूत बन गया, देश में प्रदेश में सोचे ज्यादा किसानों का नए बेटों को नेता बना दिया। ये हनुमान बेनीवाल के ही मंच है जहाँ 5 लाख की रैलियों के अंदर आम किसान का बेटा आधे घंटे तक भाषण दे सकता है, आम किसान की बेटी आधे घंटे तक भाषण दे सकती है। मैं जब बीजेपी में हुआ करता था मुझे याद है एक वाक्य, अटल बिहारी की रैली थी और 40,000 की भीड़ को बीजेपी पड़े 7 लाख पकड़ने में मास्टर है, तो वो मंच पे हमने कहा हमें भी मंच पे अटल जी के पास जाना है और अभी आपका नंबर नहीं आएगा। और भाइयों वही हनुमान बेनीवाल है जिसने व्यवस्था को बदल दिया और संख्या और रैलियों की और लोगों की इतनी ज्यादा कर दी कि प्रदेश में सबसे बड़ी अगर रैलियां किसी की हुई वो आप भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियों का अंदाजा भी आप लगा सकते। मैं आपको दो ही उदाहरण दूंगा, जब देश का किसान संकट के अंदर था तब यहाँ भी आवाज उठी, लोगों ने कहा कि हनुमान जी मोदी की गोदी में बैठे हैं छोड़ क्यों रहे किसानों का, लोग तो क्या सोशल मीडिया भावुक हो जाते हैं इमोशनल होकर बात कर रहे थे, लोगों ने कहा हनुमान जी अगर छोड़ दे तो मोदी झुक सकता है। मुझे हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारा साथ दो, मोदी को झुकाना है। वैसे ही आंदोलन जो था वो पंजाब हरियाणा से चला था किसान आंदोलन, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं था। भाइयों मैंने कहा मेरी वजह से अगर किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल वो कुर्बानी भी देगा जो कुर्बानी 20 वर्षों से इस राजस्थान में देता रहा है। मैंने मोदी की सत्ता को छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे हनुमान बेनीवाल ने जाम किया, प्रधानमंत्री झुके, मैंने सत्ता छोड़ी और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ फिर दूसरा आंदोलन आ गया। मेरे खाते में तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन और सत्ता से दूरी बनी हुई है। अब जब सेना को ठेके में दे दिया, सेना को संविदा पे दे दिया, अग्निपथ योजना लाए, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर जांबाज सैनिक है, अमेरिका के एक अखबार का मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो घोड़ा बारूद लेके हथियार लेके अगर दुश्मन से कोई लड़ सकता है वो 8 रेजिमेंट का जवान लड़ सकता है। धन्यवाद। उसी कौन से आता है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जोधपुर के अंदर आपने टेलर दिखाया था
चार दिन में 2 लाख जवानों ने जोधपुर के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती दी कि मोदी जी किसान आंदोलन की हर से रोक रखे तो किसान के बेटों के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली रैलियों की भी घोषणा करेंगे, अग्निपथ योजना वापिस करवाने के लिए पूरी ताकत इस देश के अंदर लगाएंगे, प्रदेश को खड़ा करेंगे, आवश्यक दिल्ली भी करेंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं जिम्मेदार हूँ? मैं तो आवाज उठा रहा हूँ और मेरी वजह से मेरे समाज के नेताओं की दुकान कांग्रेस और भाजपा में समय समय चलती रहती है। वो कहते रहते हैं कि आप साथ हमें चिंतन छोड़ो, हम हनुमान जी को अच्छा काम कर रहा हूँ, नुकसान क्या कर रहा हूँ तुम्हारा? नुकसान कर रहा हूँ कभी? नुकसान तो मेरा ही कर रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष हमारे समाज के बने थे, उनसे पहले तो नहीं बने, लगातार बनाते रहते। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, हम निश्चित है। लोग ये भी कहते थे अंग्रेजों के बाद कहने पर समान नहीं, क्या कहे क्या हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। अरे भाइयों, जब देश के जवानों पर संकट आया, जब अग्निपथ आया, तो छोटे मोटे नेता और देश के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोले अग्निपथ के खिलाफ? बोले क्या कुछ? जब अभी लोकसभा चल रही थी मैं अकेला तख्ती लेकर खड़ा रहता था अग्निपथ अग्निपथ वापिस लौटे, मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे साथ आएंगे। कांग्रेस वाले आए, उनकी तख्ती में अलग लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या लिख कर आयो? बोले हमारा मुद्दा तो एक ही है कि राहुल सोनिया के ईडी की जांच बंद करो। दूसरा, आज तक इस राजस्थान में पार्टी नहीं बनी। हम मैं उस परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी लोकदल लमकीबा से एमएलए थे। हम जब छोटे बच्चे थे कभी चरखे का चिन्ह आता था, कभी चिन्ह आता था हल बैल किसान, कभी दूसरा चिन्ह था। लेकिन भाइयों, वो चिन्ह कहाँ के थे? वो चिन्ह थे हरियाणा उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का कोई चिन्ह हरियाणा उत्तर प्रदेश नहीं गया। राजस्थान का पहला किसान का बेटा हूँ जिसने पार्टी बना के देश पर संदेश दिया कि राजस्थान का समाज हमारा और किसान कमजोर नहीं है, वो अपनी ताकत में खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। ये संदेश पूरे देश में दिया। एक समय लगता है हर चीज का। यही खरनाल था, यही बड़े नेता थे जो नेता देश को तोड़ते थे। मेरे भाई तो मना किया करते, हमने तो नहीं किया मना। पहले अगर मंदिर बड़ा बनाया हमें मिल जाता तो क्यों तो समिति को घूमना पड़ता, तो क्यों सारा काम करते? मंदिर दूसरे समाजों को बढ़ गए, मंदिर एक एक समाज के 100-100 मंदिर हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ के लोगों ने कभी दिशा में आपको जाने नहीं दिया। जो लोग तेजा जी की जय नहीं बोलते थे, जो लोग इनके काम नहीं बताते थे, वो लोग आपके कैसे हो सकते हैं? इन बातों का भी मंथन अपने को करना है। और इस मंच के माध्यम से एक ही बात मैं कहूंगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा एक मेला राष्ट्रीय स्तर का बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने और पूरी एक सर्किट यहाँ पर्यटन की सुरसुरा खरनाल होती हुई, पनेर होती हुई पूरे देश के अंदर एक जिस तरह पैनोरामा बना, पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। इसलिए मैं सुरसुरा भी गया, वहां भी मजबूती का संदेश, सुरसुरा था बलिदान दिवस था, वहां जाके मजबूती का संदेश दिया। भाई इतना ही कहना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, मैं काफी लेट हूँ, एक कार्यक्रम मुझे और अटेंड करना है। कई लोग के खाते में सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा, सरकार जांचें कराती कराती थक गई और समय समय पे मेरे से गठबंधन के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी मिली। आपको सब बातों को पता है, आप सब जानते हो। इतना ही संदेश मेरे छोटे भाइयों को दूंगा कि जहां मैं खड़ा हूँ, दुर्भाग्य इस बात का आज हमारा किसान का बेटा नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है, ये बहुत बड़ी तकलीफ। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? हमारे समाज के लोग, हमारे लोग, हमारे नेता जिनको आप आइकन आदर्श मानते हो, उनकी सीख और बात भी आपको माननी होगी। MD इसमें डोडा पोस्ट इन सब चीजों से दूर रहना होगा, दारू से दूर रहना होगा, नशा एक ही बात का रखो कि सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर दो ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो। आपकी ताकत थी कि मैंने दिल्ली को झुकाया और नरेश जाट जो जोधपुर के अंदर सुसाइड का मामला था, पूरी दिल्ली की सरकार को झुका के उसकी मांगे मनवाई, मनवाई नहीं मनवाई। तो मैं आपके मैं आपके लिए हर समय लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन दुख इस बात का है अखबार पानी पी लो, लड़ाई करनी हो रुमाल से लड़के पे राजीनामा करने का आधे लड़े नमा आई जाएंगे सब जगह से। आप चिंता क्यों करो? लड़ाई आपको तो नहीं लड़नी है, लड़ाई दो ही जगह लड़नी है, या तो कोई लड़की का मामला हो, हमारी बहन बेटी का मामला हो, उसको तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मार्शल को मार्शल ऐसे नहीं कहलाए, मार्शल मतलब जो रक्षक होता है, रक्षा करता है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है।
और दूसरी अगर हमारी जमीन पर कोई कब्जा करे तब हमारी जान भी चली जाए। जब हम भारत माता के लड़ रहे हैं तो खुद भी जमीन के लड़ेंगे। तो भाइयों ये दो संदेश मैं आपके देने के लिए आया हूँ। मंदिर का निर्माण जो हमारी समिति है मजबूती से कर रही और लोगों का अपनी समिति के अंदर जोड़ा हम जो चाहते हैं पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं MP MLA सारे भाई हमारे इनको मैंने कहा समिति के अध्यक्ष जी को मैंने कहा आप तो कार्ड में नाम वाम किसी का मत लिखाओ आप तो एक कार्ड ये भेज दो जिनको आना है आए उसका स्वागत सत्कार है वो अपनी बात यहाँ रख सकता है। एक चीज मैंने और देखी यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है उसको रखने दो बात अगर तेजा जी के यहाँ अपने समाज का आदमी बात नहीं रखेगा तो क्या शेरगंज में जाकर रखोगे ये तो बता दो मुझे हर नौजवान को अपनी बात रखने का अधिकार है हर पार्टी के नेता अपनी बात कहने का अधिकार है बड़ी स्पीड को कम ज्यादा करने का माहौल देख के काम करें। यहाँ तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा जो अभी तो अपन सब एक कामना करें कोरोना के अंदर किस तरह होते हुए आपने देखा होगा कि सेकंड कोरोना की लहर कर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमने बच्चों को दम तोड़ते देखा कहां गई भाजपा कहां गई कांग्रेस जब हमारे बच्चे मरे तो आएंगे संभालने के लिए हमारे में भगवान की कृपा थी तेजा जी को बचाना है समाज को बचाना है व्यवस्था को बदलना है और ऐसी व्यवस्था लानी है राजस्थान के अंदर कि जहाँ सबसे बड़ी आबादी होते हुए किसान कौम अपनी सत्ता नहीं लेके आई सत्ता मांगने से नहीं मिलती रोने से कोई सत्ता नहीं देता। अगर मैं लड़ता नहीं तो अभी तक मैं भी किसी कोने में पड़ा रहता। मैं लड़ा मैंने मेरा परिवार खो दिया मेरी जिंदगी खो दी मेरी नींदें खो गई 5 बजे आके सोता हूँ 9 बजे उठ के चलता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो पापा पापा करते हैं हर आदमी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस कौम को दोबारा मिलेगा नहीं इस बात का ध्यान रखना। मेरे विरोधी भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि एक बार आधा घंटे मन से ये सोच रहे कि हनुमान जो लड़ाई लड़ रहा है ऐसी लड़ाई आज से पहले किसी लड़ी थी क्या या आगे भी लड़ सकता है पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जिसके खिलाफ लड़ा जिसके खिलाफ लड़ा चाहे वो कितना भी बड़ा था उसे उसका अंजाम तक पहुंचाया उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया और कई लोग जो बदमाश थे उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया राजस्थान के लिए दिखाया नहीं दिखाया। आप लोग हिम्मत रखें प्रयास करें इसी तरह जैसे छोटे भाई ने बताया कि आने वाले समय तक हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी अध्यक्ष है मैं भाई दोनों हमारे हरिंदर और माता दोनों बैठे चुनाव लड़े मजबूती से लेकिन जोधपुर की जो हार है इसकी थोड़ी सी पीड़ा हम सबको दिखाई दे रही है और हम सब थोड़े व्यथित हुए थे लेकिन हारना चलता रहता हम तो समाज के अंदर पैदा हूँ जो हमेशा लड़ता ही रहा हमारे को जीत कभी नसीब नहीं जीत हो भी जाती तो भी संघर्ष करना पड़ता। छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता आगे तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है तुम लोग मजबूत से जुड़ो जुटो ये प्रदेश देख रहे हैं देश देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कैसे नौजवानों को आत्म राजस्थान की सत्ता भाइयों आसाम का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार आसाम में छात्र आंदोलन हुआ था बड़ा 25-30-40 साल पहले की बात है और छात्र आंदोलन ऐसा हुआ ऐसा बिगुल बजाया कि मुख्यमंत्री बना था 30 साल का और सारे लड़के बन गए 25 साल के विधायक मंत्री भी बने सारी पार्टियों को घर बिछा दिया। नौजवान जब मचलता है तो सत्ता पे कब्जा कर लेता है। हर क्रांति का मुखिया नायक देश का नौजवान था भगत सिंह 23 साल के थे कांचा टोपे मंगल पांडे ने जो लड़ाई लड़ी उनकी छोटी उम्र थी। हनुमान बेनीवाल नौजवानों को साथ लेके मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सका मुझे पता है और मंत्री पद मेरे कल तैयार है। मैंने आके लड़ाई छोड़ दी तो लोग ये कहेंगे लो आप वो भी गए जो चिल्लाकर लास्ट वो भी चला गया क्योंकि मेरे नीचे तो बहुत जा चुके पहले भी कार्यक्रम देखा मैंने लोगों की ताकत में लोगों के अंदर एक पुलिस की गाड़ी घर पर आ जाती है और एक 17 CC का नोटिस दे दो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते घर वालों को बोले हमने देख इसलिए डर नहीं लगता और बड़े बड़ी लड़ाई कौन के लिए लड़ी किसान के लिए लड़ी पार्लियामेंट में लड़ रहे और विधानसभा की थी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और यहाँ से एक मैसेज हनुमान से पूरे देश के अंदर जाना चाहिए एक पर्यटन सर्किट बने और दिल्ली के अंदर भी प्रयास करेंगे कि तेजाजी महाराज के इस हमारे खनाल मंदिर सुरतुरा इनको राष्ट्रीय महत्व और इनको पर्यटक स्थल दिल्ली की सरकार भी घोषित कर प्रयास मेरी तरफ से पूरे रहेंगे राजस्थान में भी हम कोशिश करेंगे लेकिन मुझे लग रहा है प्रयास करते करते आप खुद की सरकार बना लोगे ऐसा मुझे लग रहा है बना लोगे सरकार अपनी सरकार खुद की बन जाए
तो रात को बैठ के रात बात कर लेना, जो भी काम करने को मना करना है सरकार जो कह सकती है। अभी जो चल रहे हैं ये तो आपकी ताकत के साथ है, तो सरकार बन जाएगी, खुद ही काम करते रहेंगे आगे, जैसे चाहे वो कर लेंगे जो रहे। देखा आपने, ये सब इसलिए है कि ये भी उत्साहित हो रहे हैं। ये भी जो अधिकारी राजस्थान, वो मुझे कहते हैं करमान जी क्या खाते हो आप? मैंने कहा मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी और दाल, बताओ क्या चलते कैसे हो? अगर भगवान की कृपा में आज तो मैंने चुप खाना भी नहीं खाया, वैसे नहीं कर शिखर से चला हूँ आते आते, अब बेरा से जाऊंगा 700-800 किलोमीटर, 900-1000 किलोमीटर की फ्लाई हो जाएगी हवा के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की कि रामदेव जयंती और तेजा जी की जयंती दोनों आज, तेजा जी महाराज और रामदेव जी महाराज का जो बड़ा दिन त्योहार आज है, और रामदेव जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए काम किया, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के मेघवाड़ भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी, और वीर तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले किसान कौम को जगाया और गौ माता का मृत्यु समझाया, गाय को अपने प्राण से ज्यादा माना। तो आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, मैं बधाई देता हूँ आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को और देशवासियों को, और इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान के लिए लड़ा, जवान के लिए लड़ा, बदमाशों के खिलाफ लड़ा, बेमुक्त अपराध भ्रष्टाचार के लिए लड़ा, और आगे भी आप सबके लिए मेरा संघर्ष हमेशा रहेगा। मैं समिति को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समय मिला नहीं, कोरोना आ गया था, मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैं प्रयास करूंगा समय समय पर आपसे बात भी करता रहूंगा, और आप तमाम अपने समाज के जितने भी नेतागण हैं उन सबको भी समय समय पे खरनार बुलाएं। मैं तो ये भी कहता हूँ रुको, हमारे एकीकृत क्या है कि झंडे की राजनीति है, ये कांग्रेस का झंडा है, ये भाजपा का, ये आरएलपी का। अगर झंडे की राजनीति हो और किसी को लगे कि भाई मंच पर साथ नहीं, वैसे विधानसभा और लोकसभा में हम सब साथ ही बैठते, नेता हम सब साथ हैं, पब्लिक लड़ती रहती है, ये सही है ना? सारे चाय पानी डिनर लंच साथ करते हैं, आपको किसी को लड़ना नहीं। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, कई जगह मैं देखता हूँ अच्छी व्यवस्थाएं लोगों ने कर दी, लोग कहते साहब आज आरएलपी वालों का है, कल बीजेपी वालों का, परसों कांग्रेस वालों का, सही है ना? हम झगड़ा नहीं क्यों सरपंच साहब, मैं सरपंच साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ लगे। एक ही मेरे एमएलए रहते हुए भी, एमपी रहते हुए, हमेशा खरनाड़ गांव वालों ने एक ही बात कही कि आपसे तो कभी भी ले लेंगे। मेरा सेवक तो हमेशा रह गई 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन के, जैसा ही एक बार बता दें वो देने की मैं घोषणा करता हूँ। एमएलए साहब आपके बैठे हैं, आजकल तो एमएलए का बजट एमपी से ज्यादा कर दिया, 100 गहलोत इनके भी 5 करोड़ रुपए पर साल आता है, हमारा बजट मोदी ने छीन लिया 2 साल का, हमारा दिल बड़ा है, इसे बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पूरी भी करते हैं उनको। तो हम दोनों मिलके, आप बता दें प्रधान भी आपके बन गए, तो सारा राज आपका है, और तेजा जी महाराज अपना है, और देश अपना है। आगे बढ़ो मजबूती के साथ और समझ के साथ, हम सबको आगे बढ़ना। ये तमाम छात्र नेताओं को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग राजस्थान को संभालो, हरे सारे विधायक मंदिर कॉलेज प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को कौन पूछता है, विधायक कौन बनता है, एमपी कौन बनता है? मेरे पास जयपुर के अंदर कोर्ट है, उसमें 20 यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष बैठे। नमस्कार, मैं संघ में अध्यक्ष था, अध्यक्ष को नहीं पूछते, अध्यक्ष बाद में विधायक सांसद बन के आगे काम करता है, उसको पूछते। तो आपके लिए तो इतनी बढ़िया जाजम बिछी हुई है, हिम्मत चाहिए, कूद पड़ो इसके अंदर। मैं भी तो कह रहा ही कूदा था, जब मैं कूदा था तब लोग कहते थे हनुमान जी तो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हैं, ये तो मंत्री बन जाते। अरे मेरी सोच ही नहीं मंत्री की, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा कि राजस्थान की सत्ता पर किसान को कब्जा होगा, और तेजा जी का जयकारा इस देश और प्रदेश के अंदर बाकी लगेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हेलो, हाँ भाई, मेरे गांव खेड़ा किशनपुरा में तेजा जी महाराज
का आयोजन रखा गया तेजा गायन का, उसमें आप सभी को हिगरी न्यूज तो ऐसा आनो है हनुमान जी देवीवाल इंदिरा जी सभी नेता गणमान्य बने पधारेगा ठीक है सर। खेड़ा किशनपुरा के अंदर मैं बटू चला रही हूँ न्यूज तो देवन अभिषेक के झूठे पत्र जल्दी से भाई वहां पर अरे अभिषेक के झूठे पत्र भाई जल्दी करो कहां पर है